ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाबदेहं दरुजमनगसानं ज्ञानिनामं गृगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजातं नमामि। नमस्कार मित्रों, बजरंग बाण का प्रायः सब व्यक्ति पाठ किया करते हैं और हनुमान जी की उपासना किया करते हैं। मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, ज्यादातर भक्त मंगल और शनिवार को ही हनुमान जी की उपासना प्रायः किया करते हैं। बजरंग बाण एक ऐसा चमत्कारिक स्तोत्र है जो कि हनुमान जी का है और इसमें इतनी ताकतें और शक्तियां हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि बजरंग बाण का प्रयोग ऐसे समय में अगर किया जाए कि विपत्ति चारों तरफ से आपको घेरी हुई है और हर प्रकार से दुख और संताप आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप बजरंग बाण सिद्ध कर लें, क्योंकि बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए हमें एक विशिष्ट संख्या के अंदर बजरंग बाण का पाठ करना अनिवार्य होता है और किसी भी पाठ की सिद्धि के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा में लाल वस्त्रों का, लाल आसन, लाल पुष्प और लाल ही प्रसाद का फल का उपयोग किया जाता है। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है और विशेष रूप से अगर बजरंग बाण को सिद्ध किया जाना है तो कम से कम 11 बजरंग बाण के पाठ नित्य करना अनिवार्य होता है। और जैसे जैसे व्यक्ति बजरंग बाण का नित्य 11 पाठ आरंभ कर देता है, चाहे वह शनिवार से करे या मंगलवार से करे, अवश्य ही उसको उसमें सफलता मिलती है और सिद्धि प्राप्त होने लग जाती है। शनिवार के दिन सायंकाल में हनुमान जी के मंदिर जाए, अपने साथ में लाल कपड़ा, लाल आसन और लाल पुष्प और लाल ही मिठाई और लाल ही फल आप अपने साथ लेकर जाए। और सिंदूर हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है तो सिंदूर और चमेली का तेल अपने साथ में लेकर जाए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर और चमेली तेल को मिश्रित करके हनुमान जी के चरणों में, यानी कि हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में आप उस सिंदूर का मिश्रण का लेपन कर दीजिए और उसके पश्चात एक तिलक अपने ऊपर लगाएं, जिससे कि हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके पश्चात चमेली के ही तेल का दीपक लगा करके आप बजरंग बाण का पाठ आरंभ करें। हनुमान जी को जो फल और आप मिठाई लाए हैं, लाल कपड़ा लाए हैं, वो आप उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात लाल ही आसन को रख करके उसके ऊपर बैठ करके हनुमान जी के बजरंग बाण का 11 पाठ करें और यह क्रम शनिवार से निरंतर चलता रहे और 21 दिन तक लगातार नित्य प्रयोग करने से बजरंग बाण सिद्ध हो ही जाती है। तत्पश्चात इसके विभिन्न प्रकार से अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। साधक की जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है और कई लंबे समय से अटका हुआ कार्य भी उसका पूर्ण हो जाता है तथा गुप्त शत्रुओं से रक्षा होती है, क्योंकि जीवन के अंदर ऐसे शत्रु होते हैं जो कि सामने होते हैं मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक शत्रु होते हैं जो कि छुप करके वार करते हैं। तो छुपे हुए शत्रु जो कि आपका बुरा चाहते हैं मगर आपको मालूम नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों से बचाव के लिए और उनके नाश और पतन के लिए बजरंग बाण को सिद्ध कर दिया जाना चाहिए। और नित्य जैसे आप प्रयोग करेंगे वैसे वैसे शत्रुओं का दमन होगा, विघटन होगा, उच्चाटन हो जाएगा और आपस में विद्वेषण हो जाएगा। उसके पश्चात 21 दिन तक इस प्रयोग को जारी रखते हुए ये क्रम बढ़ाते जाए। ऐसे इस प्रकार से प्रयोग करने से बजरंग बाण आप अवश्य ही सिद्ध कर लेंगे और इसके दौरान स्वप्नावस्था में किसी न किसी रूप में हनुमान जी साधक से बातचीत भी करते हैं और दर्शन भी देते हैं। मगर इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को बजरंग बाण की सिद्धि हो जाए या हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उसे चाहिए कि वह हमेशा उसे गुप्त रखे और किसी को भी ना बताए, क्योंकि सिद्धि प्रायः बताने से नष्ट हो जाती है, इसलिए ये बातें गुप्त रखना अति अनिवार्य होता है। और 21 दिन प्रयोग करने के बाद में आप इस प्रयोग को समाप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावटें हैं आपकी वो दूर अवश्य होगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और अगर मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आप इस प्रयोग को घर में कर सकते हैं। हनुमान जी की घुटनों के बल बैठे
एक तस्वीर आप अपने सामने रखें और उसका पूजन करें। उस तस्वीर को ही अपने सामने रखें और तस्वीर का मुख दक्षिणा मुखी तस्वीर होनी चाहिए और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, और उसके पश्चात चमेली के तेल का दीपक लगा करके और चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उसका तिलक हनुमान जी के करें और बजरंग बाण का आप पाठ आरंभ कर दें। इस प्रकार से घर पे भी इस प्रयोग को सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि बड़े ही चमत्कार प्रयोग है और बजरंग बाण बड़ी ताकतवर होती है, क्योंकि इसमें विशिष्ट रूप से हनुमान जी के किसी प्रकार से आन दी गई है, सौगंध दी गई है, इसलिए विशिष्ट रूप में इस प्रयोग को किया जा सकता है और विषम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है और बाधा दूर हो जाती है। और हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग प्रायः करते हैं। बजरंग बाण को विशिष्ट रूप से बड़ा ताकतवर माना जाता है। धन्यवाद।